इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्क्विड गेम के दो एपिसोड और ये कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगे। गी यू एक मिडिल एज आदमी था जो कि अपने छोटे से घर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ में रहता था। गी यू के ऊपर बहुत से लोन्स का कर्जा था क्योंकि उसे गेमलिंग यानी कि जुए की आदत थी जिससे कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। गी यू एक दिन ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है उसकी बेटी को बर्थडे डिनर के लिए। गी यू का डिवोर्स हो चुका था और उसकी एक्स वाइफ ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी जो कि उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं देता था। गी यू को भी अपनी बेटी को देखने का बहुत मन था और वो अपनी माँ से खुद की बेटी को गिफ्ट देने के लिए और पैसे मांगता है। उसकी माँ के पास में पैसे ख़त्म हो चुके थे लेकिन फिर भी वो कहीं से गी यू को और पैसे अरेंज कर कर दे देती है। गी यू की माँ के जाने के बाद गी यू अपना क्रेडिट कार्ड से और पैसे निकालता है और अपने गैम्बलर दोस्तों के साथ में जाकर पहले घोड़े पर पैसे लगाता है लेकिन वो हार जाता है और वो एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने पैसे लगाता है और हर बार हार जाता है लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता और अपने पैसे बर्बाद करने में लगा हुआ रहता है। और फाइनली गी यू कुछ पैसे जीत जाता है जिसे जीतने के बाद में वो अब सातवें आसमान में था। वो उस लेडी को टिप देता है जो कि उसे जीते हुए पैसे देती है और वहाँ से निकल जाता है जिसके बाद में गी यू को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और ये वो लोग थे जिन्होंने गी यू को उधार पैसे दिए हुए थे। गी यू को डर था कि वो उसे उसके जीते हुए पैसे न ले लें और इसी डर से वो वहाँ से भागता है और एक लड़की से जा टकराता है जिससे कि उधार मांगने वाले लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने उसका पैसा नहीं लौटाया तो वो उसे मार डालेंगे। बचने के लिए गी यू उन लोगों को अपने जीते हुए पैसों से कुछ अमाउंट देने की सोचता है और वो जैसे ही अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो देखता है कि उसकी पॉकेट खाली है और जो लड़की अभी अभी उसे टकराई थी उसने उसका पैसा चुरा लिया है। कर्जे वाले लोग उसकी नहीं सुनते और गी यू के नाक में एक छोटा सा चाकू डालकर उसे धमकाते हैं जिस पर गी यू कहता है कि वो एक महीने में उनका पैसा लौटा देगा जिसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब गी यू के पास में कुछ भी पैसे नहीं बचे थे, उसके पास अपने बेटे के लिए गिफ्ट तक लाने के पैसे नहीं थे। गी यू फिर उस लड़की के पास में जाता है जिसको उसने टिप दी थी और वो उससे अपनी टिप वापस ले लेता है लेकिन अभी भी उसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वह खिलौना खरीद सके। अब गी यू टिप के पैसे से एक क्लो मशीन से एक गिफ्ट जीतने की कोशिश करता है लेकिन आज उसका लक कुछ ख़राब चल रहा था। उसे एक भी खिलौना नहीं मिलता लेकिन पीछे से एक छोटा सा लड़का उसकी मदद के लिए राज़ी हो जाता है और दोनों मिलकर एक ब्लैक कलर का गिफ्ट बॉक्स जीत लेते हैं और फिर गी यू उस बच्चे को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है जिसके बाद में वो अपनी बेटी को एक छोटे से स्टॉल पर ले जाकर उसे बर्थडे ट्रीट देता है। उसकी बेटी गायों उसके चेहरे पर निशान नोटिस कर लेती है लेकिन वो कहता है कि ये निशान बस मच्छर के काटने के हैं। गी यू फिर अपनी बेटी को जीता हुआ गिफ्ट देता है लेकिन उसमें से गन की शेप में लाइटर निकलता है जिसे देखकर गी यू वो गिफ्ट वापस ले लेता है और अपनी बेटी से कहता है कि वो उसे अगले बर्थडे पर एक अच्छा सा गिफ्ट लाकर देगा। और आखिर में गी यू अपनी बेटी को उसकी माँ के पास छोड़कर गुड बाय बोलता है। गी यू अब एक मेट्रो स्टेशन पर था जहाँ पर उसे एक वेल ड्रेस्ड आदमी मिलता है जो कि उसे डाकजी नाम का एक गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है जिसमें एक कार्ड को दूसरे कार्ड से फ्लिप करना था। वो आदमी कहता है कि अगर गी यू जीतता है तो वो उसे 1,00,000 वॉन देगा और अगर वो हारता है तो वो आदमी उसे एक थप्पड़ मारेगा। गी यू के पास में हारने के लिए कुछ भी नहीं था और इसीलिए वो ये गेम खेलने के लिए राज़ी हो जाता है और फिर कई राउंड खेलने और हारने पर गी यू को बहुत थप्पड़ पड़ते हैं जिससे कि गी यू का गाल पूरी तरह से लाल हो चुका था। और फाइनली एक राउंड में जीतने के बाद उसे 1,00,000 वॉन मिल जाते हैं और वो आदमी गी यू को एक कार्ड देकर उसे कहता है कि अगर वो और भी गेम्स खेलना चाहे तो उसे कभी भी कॉल कर सकता है। फिर घर आकर गी यू को उसके एक फ्रेंड सांगू की माँ मिलती है जो कि उसे बताती है कि उसका बेटा सांगू अपनी बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है जहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि उसकी एक्स वाइफ अपनी फैमिली के साथ में USA में शिफ्ट हो रही है और इसका मतलब ये था कि गी यू अपनी छोटी सी बेटी से नहीं मिल पाएगा। गी यू शॉक था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी बेटी की कस्टडी उसकी एक्स वाइफ के पास में थी क्योंकि वो अपनी बेटी को नहीं पाल सकता था। फिर रात के समय गी यू बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था और वो उस नंबर पर कॉल करता है जो कि उसे उस आदमी ने दिया था। अब वो आदमी गी यू को एक जगह बुलाता है जहाँ से उसे एक वैन में बिठा लेते हैं और अंदर आते ही एक गैस का गुब्बार आ जाता है जिससे कि गी यू बेहोश हो गया था। गी यू की जब नींद खुलती है तो देखता है कि वो एक बेड पर है जहाँ पर आसपास कई सारे और भी लोग हैं। वो ये भी नोटिस करता है कि उसके कपड़े बदल दिए गए हैं।
वहाँ पर मौजूद सभी लोग कंफ्यूज थे और हम देखते हैं कि पूरा रूम सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटर हो रहा है। गेहूं एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिसका नंबर 001 था और गेहूं का नंबर 456 था। वो आदमी गेहूं को बताता है कि वो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनका ध्यान पास में हो रही एक लड़ाई पर जाता है। वो लड़ने वाली ये लड़की वही थी जिसने गेहूं के पैसे चुराए थे और वो एक गैंगस्टर के साथ में लड़ रही थी। गेहूं उनकी लड़ाई के बीच में आकर उस लड़की से अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन वहाँ का फैसिलिटी स्टाफ आकर उन्हें रोक देता है, जो कि बिल्कुल लाल ड्रेस में थे और उन्होंने मास्क लगा रखे थे। वो रूम में आते हैं और वहाँ पर मौजूद लोगों को अनाउंस करते हैं कि उन्हें यहाँ पर 6 दिनों तक 6 गेम खेलना है और जो सभी 6 गेम जीत जाएगा उसे बहुत सारा प्राइज मनी मिलेगा। यहाँ पर गेहूं का दोस्त सांगवू भी था, जो कि उसकी माँ के अनुसार USA अपने बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला था, लेकिन उसे पुलिस ढूंढ रही थी क्योंकि उसे अपने एक क्लाइंट के 650 मिलियन वॉन देना थे और इसीलिए उसने अपनी माँ से झूठ बोला और यहाँ पर आया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ऊपर से एक बड़ा सा गोल कंटेनर आता है जिस पर स्टाफ कहता है कि ये कंटेनर पूरा पैसों से भर जाएगा जैसे जैसे वो गेम को जीतते जाएंगे। जिसे देखकर सभी लोग कंफ्यूज थे, लेकिन फिर भी वो गेम खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक रूल बुक पर साइन करना था जिस पर 3 रूल्स लिखे हुए थे। पहला कि गेम के स्टार्ट होने पर कोई भी प्लेयर नहीं रुक सकता। दूसरा, जो भी उस गेम को खेलने से मना करेगा वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। और तीसरा रूल कि अगर प्लेयर्स की मेजॉरिटी गेम खेलने से मना कर देती है तो गेम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। सभी को ये तीनों रूल्स सिंपल लग रहे थे और सभी उस फॉर्म को साइन कर देते हैं और पहला गेम खेलने के लिए रेडी होते हैं और एक भूल भुलैया वाले रास्ते से आगे की ओर हॉलवे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सभी कंटेस्टेंट की फ़ोटो क्लिक की जाती है और जब वे फील्ड पर पहुंचते हैं तो एक क्रीपी सी स्टैचू को देखते हैं। ये स्टैचू एक छोटी सी लड़की की बड़ी सी डॉल थी। यहाँ पर गेहूं अपने फ्रेंड सांगवू से कहता है कि उसने अपनी माँ से US जाने के बारे में झूठ क्यों बोला, लेकिन इतने में वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है और उन्हें वाइट लाइन के पीछे खड़े रहने के लिए कह दिया जाता है। फिर फैसिलिटी के अंदर गेम बेचने वाले के पास एक कॉल आता है और वो एक बड़े से मॉनिटर के सामने बैठकर सभी को गेम में देखता है। सभी कंटेस्टेंट को कहा जाता है कि पहला जो गेम है उसका नाम रेड लाइट और ग्रीन लाइट है। उनके पास में 10 मिनट है गेम को ख़त्म करने के लिए। जैसे ही वो लड़की की स्टैचू रेड लाइट कहेगी सभी को एकदम से फ्रीज हो जाना है और वे सभी ग्रीन लाइट कहने पर ही आगे बढ़ सकते हैं। और अगर इस लड़की की स्टैचू ने किसी को रेड लाइट के दौरान हिलते डुलते पकड़ लिया, क्योंकि उस स्टैचू में सेंसर लगे हुए थे, वो उन लोगों को एलिमिनेट कर देगी। जिसके बाद में गेम शुरू होता है और कुछ देर तक तो ऐसे ही चलता है। फिर वो डॉल एक आदमी के मोशन को सेंसर से डिटेक्ट कर लेती है और उसके सर में गन से गोली मार देती है। किसी को भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या चल रहा है और जो भी लोग रेड लाइट के दौरान हिलते डुलते पाए जाते हैं उन्हें वहाँ पर गन से उड़ा देते हैं, जिससे कि बाकी कंटेस्टेंट को पता लगता है कि जो भी गेम से एलिमिनेट होगा उसे गन से मार दिया जाएगा, जिससे कि सभी में अफरा तफरी मच जाती है और भागने वाले लोग सेंसर से डिटेक्ट होते हैं और सभी को मशीन से ऑपरेट होने वाली गन से मार दिया जाता है। और हम देखते हैं कि आसपास कई सारे कंटेस्टेंट की लाशें बिछ जाती है, बस वही कंटेस्टेंट बचते हैं जो कि फ्रीज खड़े हुए थे। फिर गेम का नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और अब सब बड़ी सावधानी से गेम को खेल रहे थे। गेहूं भी फ्रीज खड़ा हुआ था और सांगवू उसे कुछ पूछ लेता है जिससे कि गेहूं का पैलेंस बिगड़ता है, लेकिन अली नाम का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और मरने से बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि जो जो भी एलिमिनेट हो रहा था वो मारा जाता है और अंत में कुछ लोग बचते हैं जिनमें से गेहूं, सांगवू, सेब्योक थी जो कि गेहूं का पैसा चुराने वाली लड़की थी, वो बुढ़ा आदमी गैंगस्टर और गेहूं को बचाने वाला अली। हम ये देखते हैं कि सभी कंटेस्टेंट एक अंडरग्राउंड आइलैंड पर बनी एक फैसिलिटी में हैं। फैसिलिटी का स्टाफ डेड बॉडीज़ को फील्ड से हटाकर सभी को जला देता है और बचे हुए कंटेस्टेंट फिर से अपने रूम में लाए जाते हैं जहाँ पर सभी डरे हुए थे जो भी उन्होंने अपनी आँखों से देखा था उससे। और वहाँ पर गेहूं अली को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। अब यहाँ पर फैसिलिटी का स्टाफ रूम में आता है और बचे हुए कंटेस्टेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करता है उन्हें उनका पहला राउंड पूरा करने के लिए। पहले टोटल 456 लोग थे और अब बस 201 लोग ही बचे हुए थे, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि गेम के दौरान 255 लोग मारे गए। फिर वहाँ पर एक लड़की अपने घुटनों पर बैठकर उसे जाने देने को कहती है और सभी उसी की ही तरह उन्हें छोड़ देने के लिए कहते हैं।
जहाँ पर फैसिलिटी का स्टाफ उन्हें वहाँ का दूसरा रूल याद दिलाता है कि गेम नहीं खेलने वाले को एलिमिनेट यानी कि मार दिया जाएगा। लेकिन सडनली सांगवू पीछे से ये कहता है कि थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर मेजोरिटी गेम खेलने को मना कर देती है तो गेम नहीं खेला जाएगा, जिस पर फैसिलिटी का स्टाफ हामी भरता है और उन्हें वोटिंग करने से पहले गेम का प्राइज मनी दिखाता है ताकि प्राइज मनी को देखकर कोई भी नेगेटिव वोट नहीं करे। और फिर वो गोल कंटेनर जल्दी खूब सारे नोटों के बंडलों से भर दिया जाता है। स्टाफ ये कहता है कि जीतने वाला 45 बिलियन वॉन अपने साथ ले जाएगा, लेकिन अगर वो गेम को नहीं खेलते हैं तो मरने वाले लोगों की फैमिली को ये पैसा दे दिया जाएगा और उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उस प्राइज मनी को देखकर सभी की आंखें लालच से भर गई थी। और फिर जल्दी ही वोटिंग स्टार्ट होती है और गेम खेलने वाले और नहीं खेलने वाले लोगों की संख्या सेम ही थी, मतलब कि वोटिंग टाई हो चुकी थी। लेकिन अभी भी आखिरी वोट बचा हुआ था जो कि उस बूढ़े आदमी का था। और वो बूढ़ा आदमी फाइनली गेम नहीं खेलने के लिए वोट कर देता है और सभी को बिना किसी डैमेज के अपने अपने घर भेज देते हैं, ये कहकर कि अगर वो फ्यूचर में भी ये गेम खेलना चाहते हैं तो उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर हमें देखते हैं कि गेहूं और सेबियक को वैन से बाहर उनके हाथ बांधकर फेंक दिया जाता है और यही होता है अली और सांगवू के साथ में, और सभी अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अली के पास घर जाने तक के पैसे नहीं थे और इसीलिए सांगवू उसे बस का किराया दे देता है। गेहूं वहां से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और इस गेम फैसिलिटी के बारे में कंप्लेन करता है कि उन्हें किस तरह से किडनैप किया गया था, लेकिन पुलिस उसकी बातों को नहीं मानती क्योंकि किडनैपर वापस किसी को घर क्यों भेजेगा। लेकिन वहाँ पर एक जुनहो नाम का पुलिस ऑफिसर गेहूं के पास उस कार्ड को नोटिस कर लेता है, जिसके बाद गेहूं अपने घर चला जाता है और उसे वहाँ पर पता लगता है कि उसकी माँ घर पर नहीं है। उसकी माँ की तबीयत डायबिटीज़ से बहुत ख़राब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। गेहूं हॉस्पिटल जाता है अपनी माँ को देखने के लिए, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ के पैर में एक बड़ा सा घाव है और डॉक्टर कहते हैं कि उसकी माँ की जान बस सर्जरी से ही बचाई जा सकती है। लेकिन गेहूं के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ की सर्जरी करवा सके। फिर हम देखते हैं कि जुनहो अपनी माँ से अपने मिसिंग भाई के बारे में बातें कर रहा था जो कि कुछ दिनों पहले ही गायब हुआ था, और उसे उसके भाई के अपार्टमेंट से भी वैसा ही कार्ड मिला था जैसा कि गेहूं के पास में था। जुनहो डिसाइड करता है कि गेहूं से उस कार्ड के बारे में पूछेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेबियोक अपने छोटे भाई से अनाथ आश्रम में मिलने जाती है और हमें ये पता लगता है कि वो नॉर्थ कोरिया से भागी हुई लड़की है जिसके माँ बाप अभी भी नॉर्थ कोरिया में ही फंसे हुए हैं, और वो पैसे इकट्ठा करके अपने माँ बाप को वापस लाना चाहती थी और अपने भाई को उस अनाथ आश्रम से बाहर निकलना भी चाहती थी। इधर अली अपने बॉस से मिलने जाता है। दरअसल अली को पाकिस्तान से कोरिया काम करने के लिए लाया गया था, लेकिन उसे 6 महीनों से कुछ भी पैसा नहीं मिला था। अली की वाइफ और उनका एक बच्चा भी साथ में आया हुआ था जिन्हें अली को पालना था। अली का बॉस उसके सामने नोटों का बंडल रखता है, लेकिन वो उसे अली को नहीं देता और गुस्से में आकर अली उसे एक मशीन में धक्का दे देता है जिससे कि उसके बॉस की उंगलियाँ कुचल जाती है और वो उन पैसों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अली सीधा अपने घर जाकर वो पैसा अपनी वाइफ को देकर ये कहता है कि वो और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से पाकिस्तान वापस चली जाए, और वो खुद उसे ये भरोसा दिलाता है कि वो जल्दी ही सही सलामत पाकिस्तान आ जाएगा, और वो अपनी वाइफ से दूर जाने से पहले उसे आखिरी बार एक हक करता है। इधर सांगवू अपनी माँ को फ़ोन लगाकर ये कहता है कि वो यूएसए पहुँचने वाला है, जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि वो उसके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाए और फ़ोन काट देती है। फ़ोन के रखते ही वहाँ पर पुलिस वाले आकर उसे सांगवू के बारे में पूछते हैं और उसे बताते हैं कि सांगवू ने अपने क्लाइंट के पैसे चुरा लिए हैं और अगर वो घर आए तो उन्हें सांगवू की जानकारी दे दे, जिससे कि उसकी माँ को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है अपने बेटे के बारे में जानकर। और साथ ही साथ हम सांगवू को देखते हैं, उसे फिर से वो कार्ड मिला है। गेहूं के पास में अपनी माँ को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो उसकी एक्स वाइफ के पास जाता है मदद मांगने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है। वो अपने नए हस्बैंड से इस बारे में बात करती है और वह गेहूं को अपने पास बुलाकर उसे एक नोटों का बंडल देता है और कहता है कि वो उसकी फैमिली के आसपास भी ना भटके, जिससे कि गुस्से में आकर गेहूं उसे मारता है और गुस्से में ये कहता है कि वो उसकी बेटी को उससे दूर नहीं कर सकता। और गेहूं की बेटी उसे अपने स्टेप फादर को मारता हुआ देख लेती है और वह गेहूं को बड़ी निराशा भरी नज़रों से देखती है। बाद में गेहूं अपने घर आता है और खुद को हारा हुआ महसूस करता है।
क्योंकि उसके पास ना तो फैमिली थी और ना ही अपनी माँ को बचाने के लिए पैसे। फिर पुलिस ऑफिसर जुनहो गेहूं का वेट कर रहा था और वो उसे उस कार्ड के बारे में पूछता है कि गेहूं उस फैसिलिटी के बारे में क्या कह रहा था। लेकिन गेहूं कहता है कि वो उस वक्त नशे में था। गेहूं वापस गेम में जाने के लिए डिसाइड करता है और वो पुलिस को बताकर कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहता था। जुनहो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसे ठीक से बात नहीं करता। फिर घर जाते समय उसे वो कार्ड अपने घर के दरवाजे में फंसा हुआ मिलता है और वो उस नंबर पर कॉल कर देता है जिससे कि जल्दी ही उसे वहाँ से पिक कर लेते हैं। और गेहूं की तरह सांगवू वो बुढ़ा आदमी इलनाम डियोक्सू सेबियोक और अली सभी ने गेम को फिर से खेलने के लिए डिसाइड किया हुआ था। दोस्तों इसी के साथ में स्क्विड गेम का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 खत्म होता है और स्क्विड गेम के बाकी के एपिसोड आपको जल्दी आने वाले वीडियो में मिल जाएंगे।